बीकॉम सेम 3 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट IFS इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। उसमें हमने सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में देखा, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फिनेंशियल सिस्टम में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, प्री रिफॉर्म पीरियड यानी कि प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड यानी कि पोस्ट लिबरलाइजेशन के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनेंशियल सिस्टम के बारे में देखा था। अब हम आज के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको चार तरीके से पूछा जाएगा। एक्सप्लेन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन फॉर एप्स, या तो फिर एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, फॉर एप्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सब एक ही हैं। फॉर एप्स कैसे होता है तो देखते हैं। फर्स्ट में के फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल सर्विसेज एंड फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको फॉर एप्स के नाम से भी जाना जाता है। चलो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें फर्स्ट है फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फिनेंशियल सर्विसेज एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं फिनेंशियल मार्केट। उसमें दो टाइप्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कॉल मार्केट, सीपी मार्केट, सीनी मार्केट और ट्रेजरी बिल का समावेश होता है। और अब देखते हैं फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, उसमें बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। फिनेंशियल सर्विस का कोई पार्ट नहीं है। अब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स यानी कि मिक्स, इन सबका समावेश होता है। अब हमको उस चार एफ के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेनी है, तो हम सबसे पहले फिनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। फिनेंशियल मार्केट ऑक्यूपी एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन फैसिलिटिंग द सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ फिनेंशियल मार्केट, फर्स्ट कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को इजीली करने के लिए फिनेंशियल मार्केट इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए फिनेंशियल मार्केट के टू टाइप्स है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फ्रॉम वेयर द इंडस्ट्रीज कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फंड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। यानी कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इंडस्ट्री में शेयर और डिबेंचर से होती हुई इनकम लॉन्ग टर्म फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट। उसको प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट बोला जाता है। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इज वन वेयर ओल्ड सिक्योरिटीज आर बीइंग बोल्ड एंड सोल्ड। और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट उसे कहा जाता है जो ओल्ड सिक्योरिटीज को परचेज और सेलिंग दोनों का काम करती है।
It provide a place for investor to have liquidity. वो investor को liquidity के लिए place provide करता है. He can sell his holding at any time and get money invested by him back. कोई भी investor कोई भी समय पे उसका holding sells कर सकता है और उसके मनी यानी कि उसके पैसे वो वापस ले सकता है. दिस मार्केट एक्स एज नेक्सस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये मार्केट सेविंग एंड इन्वेस्टर के बीच में जोड़ान का काम करता है. मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर डिमांड फॉर अ सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मीट. आरबीआई हैज अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मनी मार्केट. मनी कंपेयर फॉलोइंग इंटर रिलेटेड सब मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉमर्शियल बिल मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट, कॉमर्शियल पेपर, रेपो मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, CBLO. यानी कि मनी मार्केट एक मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए सिक्योरिटीज मिलती है, यानी कि पैसे की ज़रूरत हुए उसको पैसे मिलते हैं और जिसको दीरान करना है वो उसमें डिपॉजिट कर सकता है. RBI हैज़ अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मनी मार्केट, यानी कि RBI के पास अथॉरिटी है मनी मार्केट को कंट्रोल करने की और मनी मार्केट के सब मार्केट से, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉमर्शियल बिल मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट यानी कि टूंका गाड़ा माटे, कॉमर्शियल पेपर्स, रेपो मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड CBLO. अब देखते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर पेमेंट एट अ फ्यूचर प्री डिसाइड डेट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी और पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड. यानी कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी पुरावा है. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक वन टाइप ऑफ गारंटी है जिसमें कुछ रकम यानी कुछ अमाउंट कुछ टाइम के बाद यानी कि कुछ पीरियड के बाद उसको रिटर्न करने की होती है और उस पर प्रति ईयर यानी कि सारे वर्ष के दरमियान उसमें ब्याज और डिविडेंड की सिक्योरिटी हमें मिलती है. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली मार्केटेबल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लिंक्ड थ्रॉट वेरियस टाइप ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. यानी कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेविंग्स और इन्वेस्टर को जोड़ने की एक कड़ी है और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन फ्रॉम ऑफ मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिस्क रिटर्न, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव एटसेट्रा. यानी कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो एक उसमें रिस्क होता है, लिक्विडिटी होती है, मार्केटेबिलिटी होती है, रिस्क रिटर्न होता है, उसके अल्टरनेटिव यानी कि भिन्न भिन्न यानी कि जुदे जुदे टाइप्स होते हैं वगैरह. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड फिनेंशियल असेट्स और फिनेंशियल सिक्योरिटीज. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम फिनेंशियल असेट्स या फिनेंशियल सिक्योरिटीज के नाम से भी जान सकते हैं. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, यानी कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्री टाइप्स हैं. वन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट, यानी कि
उसमें जो हमें आगे देखा मनी मार्केट से भी येलो ट्रेजरी में उसमें उसके जैसा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो इनमें से हम फर्स्ट देखते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन मनी मार्केट। द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डील इन द मनी मार्केट आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर सो दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश स्पीडली एंड एट लेस कॉस्ट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर एस बिलो, यानी कि मनी मार्केट के फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसों के साथ यानी कि मनी के साथ वो रिलेशन रखते हैं, जिसमें मनी के बदले में फिनेंशियल असेट्स का भी इस्तेमाल होता है। और अब उसके दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं तो उसमें ट्रेजरी बिल, ट्रम मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डील इन द कैपिटल मार्केट आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर कॉमनली ट्रेडेड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट आर एस बिलो, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन में रहता है, यानी कि उसका नेचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अब उसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। इन फिनेंशियल मार्केट्स दे आर हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एट्सेट्रा। डेरिवेटिव इज एन अरेंजमेंट टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिनेंशियल लॉसेस इन फ्यूचर ड्यू टू फिनेंशियल रिस्क। थ्रू द यूज ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इट इज पॉसिबल टू पार्टियली और फुल्ली ट्रांसफर प्राइस रिस्क बाय लुकिंग इन असेट्स प्राइस। Derivative is a product whose value depend on the value other more basis underlying securities. Following are important derivatives contracts: forward contracts, future contracts and option contract. Yani ki money market mein interest rate of risk, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिस्क रहता है। और ऐसे रिस्क के लिए फ्यूचर में फिनेंशियल लॉसेस के सामने प्रोटेक्शन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हमें देता है। और जो इम्पोर्टेंस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से तीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं फिनेंशियल सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकल एंड मेच्योर्ड फिनेंशियल सिस्टम इन अ कंट्री हैज एंगेज्ड अ न्यू सेक्टर नो एज फिनेंशियल सर्विस सेक्टर। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंटरमीडिएट एंड फैसिलिटेट फिनेंशियल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिनेंशियल सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर साउंड रिस्क मैनेजमेंट। जनरली फिनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, सो फिनेंशियल सर्विस आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट इन द रिसेंट टाइम मनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव सेट अप एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर फिनेंशियल सर्विस। देयरफॉर फिनेंशियल सर्विस आर कॉल्ड फोर्थ द एलिमेंट ऑफ अ फिनेंशियल सिस्टम। फिनेंशियल सर्विस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज
connected with transformation of saving into investment. Important financial services are depository, custodian, credit rating, merchant bankers, guaranteeing, portfolio management, underwriting, hire purchasing, etc. यानी कि फिनेंशियल सर्विसेज के स्वरूप में बिजनेस, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, हाउस, फैमिली सेक्टर, सब जगह ये सर्विसेज हमें मिलती है, उसको फिनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। उसमें फिनेंशियल सर्विसेज बहुत ही विशाल यानी कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में और ये करंट सिचुएशन में कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनेंशियल सर्विस के लिए ओन यानी कि पर्सनली उनकी एक डिपार्टमेंट की स्थापना की होती है। उससे फिनेंशियल सर्विस को फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करते नहीं है और उसमें से कहीं से सर्विसेज हमें देखते हैं तो कि डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकर्स, गारंटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, हायर परचेज एटसेट्रा। तो आज हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि फिनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिनेंशियल सर्विस के बारे में देखा।